गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ अच्छे से सुनना, ठीक है? ये जो मैप है कलाहारी, ये मैप अमित भाई का है, वो इस मैप के राजा है, तो हमको वो राजा के नाक के नीचे से कर लेना है ये मैच को बुया। देखते हैं क्या अमित भाई के नाक के नीचे से हम लोग कर पाएंगे ये वाले मैच को बुया। लेट्स गो। ये तो बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और मुझे करना है ये मैच को बुया। यहाँ पे आ रहे हैं 10 से ज्यादा बंदे भाई साहब, और मेरे पास है बहुत ज्यादा पैसे, तो मैं सोच रहा हूँ सभी बंदों को खरीद लूँ अपने पैसों से। अब मेरा लैंडिंग सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे आ रहे हैं। अबे मैं कहाँ उतर रहा हूँ? अबे यार इतना खराब लैंडिंग। ओके सो अभी क्यूपिड्स कार मिल चुका है, और ये क्या है? अबे बेकार सी गन, ये क्या है? पारंगाट यार, कुछ अच्छा चीज मिल जाए जिससे कि मैं बिल्कुल खोपड़ी फोड़ सकूं सबकी। और यहाँ पे वेस्ट पड़ा है शॉटगन, चलो सही है। और कुछ मतलब तकड़ा वाला चीज चाहिए यार। आ ये यही तो चाहिए था। अब तक बंदा कोई नहीं दिख रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे पास ये डबल बैरल था, नहीं तो भाई मैं तो अभी लॉबी पर खड़ा होता। लॉल। पहले तो मैं हील कर लेता हूँ। और ये कौन है? अब तो हील कर ही लेना चाहिए, और कहीं तो बंदे नहीं है। अरे ये कौन है? क्या यार कलाहारी में तो बंदों का दम ही नहीं है। अब तो लगता है राजा एक और होने वाला है, पंकज। लॉल। क्या हंस क्यों रहे हो? अरे सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है? प्रूफ चाहिए ना? अभी मेरे चैनल पे जाओ, जो लोग नए हो, जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबाओ, साइड में घंटा बन के आएगा, उसको ऑल पर सेट करना। आपको लिखेगा कि कलाहारी का नया राजा होगा पंकज। अबे ठीक है यार, और इज्जत मत उड़ाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुमको जिसको बनाना है राजा उसको बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी बंदे तो यहाँ पर मे भी खत्म हो चुके हैं, और मुझे मिलेंगे कहाँ? नीचे के साइड, मुझे लगता है बे फ्रंट के साइड तो बंदे पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ ना कलारी पर, उस साइड तो बंदे होने ही होने होते हैं। एक और बात भी है ये मैप में ना बहुत ही ज्यादा जोरों का गर्मी होता है यार। हर वक्त मैं हाफ पैंट और एक गंजी पहन के आता हूँ ये मैप में। ये जो बेफ्रंट का जगह है, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा भोला भाला है, पर बंदे कहाँ पे छुप के बैठे होंगे कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए जहां पर भी जाना ये बेफ्रंट की जगह पर बिल्कुल चौकन्ने होके जाना। अरे वो छत के ऊपर कोई चढ़ा। वो छत के ऊपर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो बंदा वो छत के ऊपर जाके बिल्कुल कवर लेके बैठ गया होगा। अबे मार क्यों रहा है? मेरे अंदर के शेर को जगा के तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब रहने दे यार, जितना हुआ जो हुआ सब सही है। अब ये बंदे को मारने के बाद मुझे उससे लूट तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदे के पास बहुत ज्यादा लूट होगा मेरे हिसाब से। और ग्लूअल होगा तब तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक भी ग्लूअल नहीं है, 4 का बेस्ट भाई साहब। अरे ग्लूअल भी है, ओके तो इसको तो लूट ही लेना चाहिए, सब कुछ लूट लेता हूँ पहले। तो अभी जो जरूरी सामान मुझे चाहिए ग्लूअल, जो कि मैं ले चुका हूँ, और मुझे कुछ वैसे नहीं चाहिए। और यहाँ पर और बंदे होने के चांसेस भी नहीं लगते मुझे, पीछे की साइड थोड़े चले जाना चाहिए, क्योंकि बंदे जो होते हैं सोलो मैच में सभी सर्वाइवर्स होते हैं, सभी रैंक पुश के लिए आते हैं, तो बंदे मिल सकते हैं मुझे पिछले वाले घरों में कुछ। अब ये वाले साइड में जब आ रहा था, तो ये ग्रीन कलर वाले घर से मुझे फायरिंग का आवाज सुनाई दिया, मतलब कि ये वाले छत के ऊपर कोई ना कोई तो एक बंदा है जो कि बाहर नहीं निकल रहा है, जो कि एक कैंपर है भयंकर वाला। और ऊपर डायरेक्टली जाना भी सही नहीं है, क्योंकि वो वाला बंदा सीढ़ी के ऊपर बैठा होगा, और मुझे यहाँ से ग्रेनेड टारगेट करके फेंक देना चाहिए। अगर सीढ़ी के पास बैठा होगा तब तो वो गया। ठीक है चलो सही है। और यहाँ पर से मुझे लूटते हुए ग्लूअल, ग्रिप और भी बहुत सारी चीजें मिल गए, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए। और यहाँ से लूटने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर जोन इतना पीछे को पड़ा है तो बंदे भी पीछे के साइड छुपे होंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा पीछे के साइड जाके ढूंढना चाहिए, क्या पता अगर मुझे वहां से बंदे मिल जाए।
इतना ज्यादा जगह मैंने ढूंढ लिया पर बंदा क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा वो बात तो मैंने बताया ही नहीं, तो थैंक यू यार आप सभी लोग। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लाइक टारगेट दिया था 34,300 का और आप लोगों ने 1,000 ज्यादा लाइक कर दिया। भाई थैंक यू यार, दिल से शुक्रिया। तो ये वाले वीडियो में आप लोग के लिए 1,000 ज्यादा लाइक एम है, ठीक है। तो 35,300 लाइक क्या आज हम लोग ये कम्प्लीट कर पाएंगे देखते हैं। और मुझे तो लगता है यार आज शाम के अंदर ये कम्प्लीट हो जाएगा। अब सामने एक ड्रॉप पड़ा है, ड्रॉप के पास एक बंदा दिख रहा है, तो उसको मैंने जब ड्रैगन ऑफ से मारा था 36 का एक ही शॉट पड़ा और वो बंदा ग्लूअल लगा लिया है, मतलब कि उसके पास बहुत सारे ग्लूअल होंगे मुझे लगता है। तो अभी से उसको मार के मुझे सभी चीज़ें उससे लूट लेना चाहिए, क्योंकि भाई ड्रॉप लूटा है मतलब कि बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें भी होंगे उसके पास। अबे बंदा चेंज कर चुका है उसका जगह, वो बंदा कहाँ पर है? वो ट्री के पास है मे बी। अबे यार एक वी शॉट नहीं लग रहा यार, और कहाँ आएगा सामने? ओ लगता है वो बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, मतलब कि वो सामने आ रहा है और एक ही शॉट आ रहा है यार, खत्म। तो अभी मुझे जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी जाके वो बंदे के पास से सारे सामान लूट लेने, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदे के पास बहुत सारे कीमती चीजें होंगी। अबे इसके अंदर पानी भी आना था, जल्दी यार, जल्दी 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 जल्दी। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. अरे ये क्या खजाना, जितना सोचा था उससे तो भाई 100 गुना ज्यादा है यहाँ पर से। भाई कितने ज्यादा ग्लू वाले, भाई यार वो बंदा कर क्या रहा था मैं सोच रहा हूँ। क्रैपलिंग गन के भी भाई एमओ, भाई साहब मेरे पास बहुत ही ज्यादा चीजें हो गए। और नहीं यार ये गन तो मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और मैं स्पाइडरमैन की तरह उड़ सकता हूँ एक से एक जगह को। और मुझे नहीं लगता यार यहाँ पर भी बंदे होंगे, ये बंदा वहीं पर से आ रहा था शायद से, तो मुझे थोड़ा आगे और जाना चाहिए, क्योंकि यार बंदे सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 12 और मुझे यार बहुत सारे बंदे को मारना यार, नहीं तो यार ये मैच को मैं कैसे छोड़ूंगा YouTube पर। अब यार क्या पता ये मैप में कहां छिपकली की तरह बंदे छुपे होंगे, मुझे आगे कोई दिख रहा है, फिर रेड डॉट हो रहा है। मारो 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 मारो। अबे यार बंदे कहां कहां छुप रहे हैं यार। लोल यार लोल। सो अभी सिर्फ और सिर्फ 11 बंदे बचे हैं और मैं अगर इनमें से 3-4 किल कर दूंगा तब तो भाई 10-11 किल हो जाएंगे, तब तो मुझे अभी बंदे मिलेंगे कहाँ वो मैं सोच रहा हूँ। और जैसे कि जोन बहुत ही बड़ा जगह राइट से श्रिंक हो रहा है, तो ये बिल्कुल श्योर हो गया मैं कि राइट में बंदे बहुत सारे होंगे और वो लोग अभी नीचे आएंगे क्योंकि जोन छोटा हो रहा है। तो मैं अगर राइट के तरफ थोड़ा सा आँख बटाए रखूँ ना, तब तो मुझे 1-2 किल यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। और मे भी मुझे अभी राइट के तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदे दौड़ के लेफ्ट को आ रहे होंगे, तब भाई मिल तो जाएंगे 1-2 किल मुझे। भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसे बोलते ना, बिल्कुल वही वाला सिचुएशन हो चुका है मेरा। ये छत के ऊपर मे भी मुझे लगता है बंदे होंगे और मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि जोन श्रिंक हो रहा है और वो बंदा अगर सामने बैठा होगा तो मेरा किल वो बंदा ले लेगा, तो मुझे अभी नीचे ही वेट करना चाहिए। वो बंदा अगर कोई ऊपर होगा, अरे बंदा है, हेड लगा भाई, मर जा। अबे यार एलिमिनेट ही होना था, लोल बे यार। ओ यार कितना जोर का श्रिंक हो रहा है, मुझे जल्दी जाना चाहिए यार, जल्दी। अरे यार कितना भयंकर वाला श्रिंक हो रहा है यार, ओ भाई जोन क्या खा रहा है यार, मेरा बिल्कुल खात्मा कर देगा ये तो। सामने की तरफ कुछ ग्लूअल पड़े हैं, मतलब कि इससे ये पता चलता है कि वो वाले जगह पर 1-2 बंदे तो पक्का होंगे, तो मुझे अभी छुप छुप के वहां तक चले ही जाना चाहिए। लेफ्ट में भी बंदे हो सकते हैं, थोड़ा चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। और वहां पर किसी ने ड्रॉप मंगाया है, मतलब कि श्योर यार वहां पर तो एक बंदा पक्का मुझे मिल जाएगा। और राइट में फाइट हो रहा था और वो लोग अभी तक नीचे नहीं आए। ये वाले घर के अंदर ग्लूअल पड़ा है, मतलब कि ये वाले घर में ही बंदा है। मैं छत के ऊपर चले जाता हूँ, छत के ऊपर बिल्कुल सेफ रहूंगा मुझे लगता है। ओके यहाँ पर मैं बिल्कुल ही सेफ हूँ, क्योंकि ये वाले छत के ऊपर तो कोई चाह के भी आ नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो कुछ जगह ही नहीं है ऊपर आने के लिए। और बंदे हैं कहां पर, मुझे दिख तो कोई भी नहीं रहा, नीचे कोई बंदा है क्या? Hey, what happened? No. रहने दो उसे, अभी नहीं मारूंगा, वो मेरी नीचे से रखवाली कर रहा है। अभी तक भी उसे भनक नहीं पड़ा, ठीक है देखते हैं अब कितने देर तक वो मुझे नहीं जान पाता मैं ऊपर हूँ। Wait a minute. Who are you?
अब ये बंदे को मारने के बाद सिर्फ और सिर्फ तीन ही बंदे बचे हैं, मुझे चौकन्ने रहना पड़ेगा और मैच पूरा का पूरा रोमांच हो रहा है। अबे नीचे से कोई मार रहा है यार मुझे, और मुझे ये साइड से तो भाई बच के रहना पड़ेगा। मुझे अभी नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि जोन में बंदे और सिर्फ बचे हैं तीन। ये छत के ऊपर तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, नीचे वाला फ़ायदा उठा ले सकता है, और मुझे यहाँ पे कहीं पे तो रहना पड़ेगा क्योंकि बंदा तो मुझे अभी एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तीन बंदे कहीं पे चुप के बैठे हैं, सामने कोई मार रहा है, मतलब कि सामने की तरफ बंदे हैं, तो ये वाले घर के अंदर से मुझे वो बंदा ट्रेस हो सकता है। और वो दूर में एक बंदा है, अरे यार ग्लूअल का कवर ले लिया। ओके ओके, ये वाले साइड में भी बंदे हो सकते हैं, मुझे पता नहीं यार, बंदे चारों तरफ है यार। वो बंदा अपने आप को कवर कर चुका है, मतलब कि उसको एक दो तरफ से पड़ रहा है, और सिर्फ दो बंदे बचे हैं, मैं, वो बंदा और एक शायद यहीं कहीं आगे या पीछे है, और एक और बंदा तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये बंदे को तो मैं ट्रेस कर चुका हूँ, और एक बंदा कहाँ पर है, ये पीछे से कौन आ रहा है यार, ये बंदा, ये कोई पिंक कलर का, अरे ये बंदा ही तो है, और इसको मार लेना चाहिए। एक और, एक और, एक और, अरे यार खत्म, मुझे लगता है मैंने अभी जिसको मारा उसका नेट ही चला गया था। और ये सामने जो बंदा है उसको तो ड्रैगन ऑफ से मारूंगा, 82, 99, और एक शॉट 120 आ रहा है यार, कहता है ओपी। तो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ टोटली ये मैच में 10 किल के साथ, बूया, ओह ये। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसके लाइक एम को ज़रूर कंप्लीट करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको बताए क्या करना है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आगे भी ऐसे वीडियोस बनाएं तो नीचे मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।